उत्तरकाशी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे का 17वां दिन है आज। जो है मजदूरों के रेस्क्यू की कोशिश लगातार जारी है। 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और ये भी आपको बता दें कि 86 मीटर जो है वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 1.6 मीटर हुई मैनुअल ड्रिलिंग। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे, मौके का जायजा उनके द्वारा लिया जाया और ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे। ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। टीमें मौजूद है मौके पर और प्रदेश के मुखिया यानी पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे और उनके द्वारा जायजा लिया गया, अपडेट्स ली गई और अब वहां से प्रस्थान करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और टीमें वहां पर मौजूद है मौके पर। लगातार कोशिश की जा रही है कि 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं सिलक्याला टनल से जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। उनके द्वारा जायजा लिया गया, अधिकारियों से बातचीत की गई, तमाम अपडेट उनके द्वारा जो है लिए गए। तो ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उत्तरकाशी के सिलक्याला टनल हादसे की है जहां पर 17वां दिन आज है। 16 दिन बीत चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं। तो ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे हुए हैं। साथ पूरे जितना उनकी जितना जोर है सारा लगा रखा है और अभी 52 मीटर अभी अंदर चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर, मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है अंदर, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी है। ठीक है सर, आज शाम तक हो जाएगा उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी। तकरीबन बचा होगा लगभग अभी दो पाइप जाने हैं कुल मिलाकर। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी एक मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा तो संभवतः अभी तक देखिए जो बड़े जो शुरू में गर्डर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज्यादा कंक्रीट मिल रहा है उसको कटर से काट रहे हैं। धन्यवाद। मजदूर फंसे हुए उनसे बातचीत हुई आज भी आपकी? उनसे कल ही लगातार बातचीत चल रही है सभी की। अभी सभा अहमद से बात हुई है सभी लोगों तो आपको बता दें ये सीधे लाइव तस्वीरें सिलक्याला टनल से जहां पर आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना। उनके द्वारा कहा गया है कि रेस्क्यू जल्द किया जाएगा और लगातार कोशिश जारी है। ड्रिलिंग का काम भी वहां पर उनके द्वारा पूरा किया जा रहा है और ये भी कहा कि लगातार बात करने का सिलसिला वो देखा जा रहा है। मैनुअली हमारी ओगर मशीन है, ट्रेंचलेस कंपनी की है, हम पुशिंग कर रहे हैं और उसमें मैनुअल अभी करा जा रहा है। ओगर से हमारे सरिये वगैरह आ रहे थे तो काम रुक रहा था थोड़ा, अभी ये मैनुअल चालू हो गया है तो आज काम चालू है वर्किंग में। अभी आज कुछ मिलना चाहिए शाम तक। अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई टाइम नहीं बता सकते, अगर कुछ सरिया वगैरह नहीं निकला तो आज काम हो जाएगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी महावीर सिंह राणा लाइव बने हुए। महावीर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से आपने भी सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और ये लगातार कहा जा रहा है कि रेस्क्यू जल्द से जल्द होगा, आखिर 16 दिन जो है वो बीत चुके हैं, 17वां दिन है, और कितना समय लग सकता है?
जी मनीष सर, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है। अगर ये बोलो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि जो काम हॉर्टिकल में जो प्लान ए में जो काम चल रहा है वो लगभग लगभग अपने जो है अंतिम द्वार पे पहुंचा हुआ है। अभी मात्र जो जैसे ये बता रहे हैं कि 52 मीटर जो बता रहे हैं उसका जो है 53 मीटर जो है पहले जो पाइप गया था वो 53 मीटर है जिससे उनका खाना जा रहा है, तो ये 52 मीटर बता रहे थे, उस हिसाब से 1 मीटर बचा है। मगर वो जो जो सप्लाई जो पाइप है जो हमारा जो 800 mm का पाइप है उसे पुश करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर ये मिनवली जो काम चलता है ए प्लान में जो काम चल रहा है अगर ये निश्चित तौर पे आज दिन में अगर ये सफल होता है तो शाम तक 5-6 बजे के आसपास जो है जो छठवां पैप जो लास्ट पैप है अगर वो जोड़ दिया जाएगा और वो पूरी तरह से पुश हो जाता है तो निश्चित तौर पे आज मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। वैसे प्लान बी भी बहुत स्पीड में चल रहा है। अगर मैं प्लान बी की बात करूंगा जो ऊपर से वर्टिकल जो ड्रिलिंग की जा रही है वो भी जो आधिकारिक बयान है वो 36 मीटर है, मगर जो अभी जानकारी मिली हमारे सूत्रों से पता लगा कि वो 40-45 के आसपास पहुंच चुका है। अभी तक कोई आपत्ति नहीं, बीच में थोड़ा सा पानी तय का स्रोत निकला था उसमें थोड़ा दिक्कत आई थी, उसके बाद भी कंटिन्यू काम चल रहा है, वहां पे भी काम रुक नहीं रहा है। बिल्कुल अच्छी खबर यही है कि अगर ये ए प्लान अगर सक्सेसफुल होता है और ए प्लान के थ्रू अगर हम देखें वहां पे जिस तरह से मिनवली काम हो रहा है तो बहुत स्पीड में है। वहां पे देख सकते हैं आप एनडीआरएफ एसडीआरएफ और जो 11-12 लोगों की टीम आ रखी है वो बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है, और अगर इसी तरह काम चलता रहा तो जल्दी ही जो अभी 4 मीटर बताया जा रहा है कि जैसे तो 6 मीटर बताया जा रहा है पर 4 मीटर जो अनुमानित है 4 मीटर ही अब बचा हुआ एरिया है जो लास्ट में जो है मजदूरों तक पूछा जा सकता है। अगर कोई अड़चने ना आए, जिस तरह ये कह रहे थे कि अभी तक कोई लोहे के पार्ट्स नहीं आए, मगर आगे क्या है ये कहना मुश्किल है क्योंकि जो अभी सीमेंट के टुकड़े मिल रहे हैं, जो सीमेंट जो ऊपरी एरिया का तो सीमेंट था, सीमेंट से कंक्रीट से बने हुए जो पार्ट थे वो जब नीचे आ रहे हैं तो वो लास्ट एरिया में, क्योंकि जो अंतिम एरिया होता है जब वो टूटा होगा तो अंतिम एरिया में निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ हार्ड होगा, तो वही अब 4-5 मीटर जो बचा है वही बहुत टफ है, और अगर उसी को पास कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे शाम तक एक अच्छी खबर आ सकती है। जी महावीर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शाम तक अच्छी खबर आ सकती है, यानी कि ये माने कि रेस्क्यूअर जो है दरवाजे पर खड़े, लेकिन जिस तरीके से आपको देखा जा रहा है यानी कि सर्दी का आलम वहां पर बना हुआ, वेदर जो है वो चेंज हो गया है, और ऐसे में क्या रेस्क्यूअर्स को वहां पर चुनौतियों का सामना इसमें करना पड़ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि मौसम ने भी अलर्ट कर रखा है जो उत्तरकाशी का मौसम है, क्योंकि इस वक्त जो है हमेशा बर्फबारी होती है, बारिश होने की फुल संभावना है और मौसम विभाग ने अलर्ट किया। मगर जो ए प्लान चल रहा है ए प्लान में मौसम से कोई संबंध नहीं है क्योंकि वो अंदर है, सुरंग के अंदर है, उन्हें मौसम से कोई मतलब नहीं। हाँ, बी प्लान में मौसम में दिक्कत आ सकती है जो बी प्लान में, मगर जो ए प्लान है मीन फोकस ए प्लान पे, ए प्लान जिस तरह हमारा हॉर्टिकल जो चल रहा है वहां पे एक पैप पुशिंग होना बाकी है। अभी जो लगभग जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वहां से, अभी खुद मुख्यमंत्री अंदर गए थे तो वो क्लियर नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने बार बार बोल दिया तो उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा, अगर बोलूंगा तो सही जानकारी नहीं होगी। मगर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ घंटे ही बचे हुए हैं ताकि उन तक पूछ, अगर कोई अड़चन ना आए, किसी तरह का कोई हार्ड रोक ना आए, हार्ड वैसे तो वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, जो ड्रिलिंग करने वाले एक्सपर्ट बुलाए गए हैं उन्होंने बहुत अच्छी स्पीड मारे, उस हिसाब से जिस हिसाब से जो ऑगर मशीन थी, ऑगर मशीन जब खराब हुई थी तो उसके बाद अब जो मिनवली चला तो अच्छी स्पीड मार रखे। मगर जो 6 मीटर का एरिया और 5 मीटर मान के चलो आप, 6 मीटर तो बताया जा रहा है पर 5 मीटर का जो एरिया है वही लास्ट एरिया है, वही अंतिम है, वही फैसला देगा कि कितना टाइम लग सकता है। अगर कोई अड़चन ना आए तो आज शाम तक बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, कोई देवताओं की पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, तो पूरा देश इसी पे लगा, जैसे प्रधानमंत्री ने भी जो है वहां से घोषणा की एक दीप जलाए जो अंदर हमारे 41 मजदूर फंसे हैं उनके लिए एक दीप, तो पूरा देश दुआओं में लगा हुआ है, तो पूरे देश की दुआएं निश्चित है कि काम करेगी, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी काम को करते हैं तो सफलता मिलनी निश्चित है, भले कितनी भी बार हार होती है मगर जो हार के बाद ही जीत होती है, तो निश्चित तौर पे जो हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ आर्मी के जवान लगे हैं वो निश्चित तौर पे युद्ध को निश्चित तौर पे जीत लेंगे, वो जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल देंगे। जी मनीष, महावीर जिस तरीके से 16 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और आपने भी ये कहा, मतलब ये कहावत बहुत अच्छी है कि जद्दोजहद लगातार कोशिशें की जा रही है लेकिन उम्मीद की घड़ी जो है लगातार कोशिश है, लेकिन ऐसे में क्या अगर मजदूरों के मनोबल की बात करें तो क्या उनका मनोबल है, क्या टूटता हुआ नजर आ रहा है, या फिर अंतिम चरण में उन्हें भी पता चल रहा है कि बस अब हौसले की घड़ी जो है नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक जितने भी आला अधिकारी आए हैं वहां पे, सूबे के मुखिया गए हैं और केंद्र सरकार की जो टीम है वहीं पे डेरा जमाए हुए, वो लगातार जब मजदूरों से बात करिए तो उनका हौसला बनाए
बनाने के लिए पूरी जोर लगा रखे कि आप घबराए मत, आपके लिए हमारा पूरा देश लगा हुआ है, आपके लिए इतने आपके देश के भी आपके राज्य के भी लोग यहाँ पे पूछे हुए हैं, जो अधिकारी राज्य के अधिकारी वो भी आ रखे, आपको हेली द्वारा पूछा जाएगा आपके घर, तो उनका लगातार उनका हौसला बुलंद किया जा रहा है, उनके खाने की पूरी सुविधा दी जा रही है ताकि उनका हौसला न टूटे। अभी तक जो बताया जा रहा है, जो गब्बर सिंह अंदर एक जो उनका मेन लीडिंग कर रहा है उसका नाम गब्बर सिंह है, तो वो बता रहा है कि अभी हमारी टीम बिल्कुल ठीक है, सबका हौसला बुलंद है, क्योंकि जब से टेलीफोन गया है तो घर में बात हुई है, तो अभी तक उनका हौसला बुलंद है। हाँ, आने वाले वक्त में कुछ कह नहीं सकते, मगर यह है कि अभी तक जो बताया जा रहा है कि सभी लोग सकुशल है, किसी तरह के कोई बीमार नहीं है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 17 दिन हो चुका है, अगर कोई व्यक्ति कहीं पे रहता तो उसे एक प्रैक्टिस हो जाती है, 10 दिन तक उसे थोड़ा अजीब लगता है, मगर जब ज्यादा दिन हो जाते तो उसे एक आदत सी बन जाती है, तो अब उन लोगों को थोड़ा सा आदत भी हो गई, उस माहौल में वो ढल चुके हैं, तो निश्चित तौर पर अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, और ज्यादा मानसिक जो 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 डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की टीम जो मानसिक संतुलन जो मानसिक वाले डॉक्टर होते हैं उनसे वो बात कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जद्दोजहद देखने को मिल रही है, यानी कि ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि शाम तक जो है रेस्क्यू पूरा हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी रेस्क्यू कब पूरा होगा, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते नहीं, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।